हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मई 2022 के कंपाइलेशन पर चर्चा करेंगे। पॉइंट वाइज पॉइंट फॉर्म में हमने कंपाइल किया है, जो कि आगामी 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि वान की पॉपुलर यानी ETP योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत उद्यमी कृषकों को पॉपुलर पौधे के 10 रुपये प्रति पौधे की दर से सुरक्षित राशि जमा करने के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की गई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला है, कोई भी योजना जब चर्चा में होती है तो उसके बारे में एक फुल प्रश्न पूछ लिया जाता है कोर्ट के साथ। तो ऐसी स्थिति के लिए आप एक फैक्ट को याद कर लीजिए कि जल जीवन हरियाली मिशन को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 17 अक्टूबर 2019 को रजिस्टर्ड किया गया था। इसके बाद एक चीज़ और आप याद कर लें कि करकटगढ़ वाटरफॉल, जो कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आपको जिला याद कर लेना है। क्यों चर्चा में रहा है? तो यहाँ पर्यटन स्थल बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका कुछ दिन पहले इसकी रिपोर्ट ली थी। अगला है, जो अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, उसकी थीम थी पर्यावरण की रक्षा करें। तो थीम थोड़ा सा अल्टर है, 2022 का तंबाकू निषेध दिवस है और थीम है पर्यावरण की रक्षा करें, तो इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में ऑपरेशन मेघदूत में पटना जिला के पालीगंज के निवासी 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री के वीर नायक रामानुज कुमार शहीद हो गए। इन्हें पूरी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया बिहार सरकार के द्वारा। अगला है, गुजरात टाइटंस IPL के 15वें सीजन में चैंपियन बनी। IPL 2022 का खिताब पहली बार गुजरात टाइटंस ने जीता। गुजरात ने फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से पराजित किया। यह खिताब अपने नाम किया, राजस्थान टाइटंस के कैप्टन जो थे हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, तो इतनी फैक्ट्स आप याद कर लेंगे। साथ में दो चीज़ों को कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इस बार का पर्पल कप कैप और ऑरेंज कैप किसे प्रदान किया गया। नेपाल से संबंधित कोई भी घटना होती है तो BPSC के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नेपाल में 29 मई 2022 को निजी एयरलाइंस तारा एयर्स का 9NAET ट्विन इंजन विमान क्रैश हो गया। तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, मखाना का कुल उत्पादन का 80% से ज़्यादा हिस्सा बिहार में होता है। दुनिया के 100 में से 90 देशों के लोग मखाना की आपूर्ति के लिए उत्तरी पूर्वी बिहार पर निर्भर हैं। अब प्रवासी बिहारी मजदूरों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक लेबर लाइन यानी कि कॉल सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है, जो विदेश में काम कर रहे मजदूरों के शिकायत और समाधान के लिए कार्य करेगा। टोक्यो कांस्य पदक विजेता लोलिना को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA का एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक पास किया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इस तरीके का विधेयक पास किया, अगर आपसे सवाल पूछ ले तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे पहले और कौन किस राज्य ने इस तरीके के विधेयक पास किया था। इसके बाद मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक देश से प्रश्न BPSC में हमेशा पूछा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश का पहले ग्रीनफील्ड एनर्जी आधारित इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है। कौन सा? तो ग्रीनफील्ड अनाज आधारित। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके
उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया है। इसका अनुवाद डेजी रॉकवाल ने किया है। इसका इंग्लिश है टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की यह पहली पुस्तक है। यह देश के लिए गौरव की बात है कि भारत को बेटी को यह सम्मान मिला है। देश की अधिक आबादी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह को यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन के तरफ से एम्बेसडर ऑफ पीस के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सुनैना सिंह को यह सम्मान वैश्विक शांति आध्यात्मिक सह अस्तित्व की स्थापना हेतु उनके सार्थक प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला है 66 BPS इंटरव्यू में भी यह प्रश्न पूछा गया कि भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे। इसके बाद टाइम पत्रिका ने 2022 में 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट करुणा नंदी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी एवं प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम्स पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 प्रभावी व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए वैल्यू एडेड कंटेंट लाते रहें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों में तेजी से स्थापना हो, इसके लिए बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 में कुछ इनिशिएटिव्स की भी घोषणा की गई है, जिससे देश भर में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारियों उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार देश का टेक्सटाइल एवं लेदर उद्योगों का हब बन सकता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी फैक्ट्री जिसको आप याद रखिएगा कि जो SDRF मेन सेंटर है बिहार में, वो बिहटा पटना में है। इसके बाद देश में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी यानी कि CMIE, जिसे BPSC 2-3 बार प्रश्न पूछ चुकी है इससे पहले अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश में बड़े राज्यों में सबसे कम नौकरी बिहार के महिलाओं ने गंवाया है। बिहार की स्थिति इस मामले में काफ़ी बेहतर है। तो इस फैक्ट को आप मेंस वाले एग्जाम में भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव फैक्ट है। विनय सक्सेना ने हाल ही में दिल्ली के उप राज्यपाल की शपथ ली है। चलिए, टेक्सटाइल जो पॉलिसी जारी हुई है उसके बारे में जो उद्योग विभाग ने एक स्लाइड जारी की उसे देख लेते हैं। बिहार में टेक्सटाइल और चमड़ा या इससे संबंधित उद्योग लगाने वालों को 10 करोड़ रुपए तक पंजीकृत अनुदान तथा 2 रुपए प्रति यूनिट पावर टैरिफ का लाभ दिया जाएगा। एक इसका फीचर्स हो गया। दूसरा है 5,000 रुपए प्रति कामगार रोजगार अनुदान का भी प्रावधान इस पॉलिसी के तहत किया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए IIT पटना के 1-डे शॉर्ट टर्म कोर्स का आयोजन करेगी। पहले कोर्स 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए है। दूसरा पुलिस ऑफिसर, एडवोकेट, जज के लिए होगा। शॉर्ट टर्म कोर्स साइबर क्राइम की जागरूकता हेतु चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2022 को 3 दिवसीय जापान की यात्रा की और इस दौरान वे क्वाड की मीटिंग में भी शामिल हुए। और क्वाड आपको पता ही है कि किसका किसका समूह है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है। तो किसे हराया थॉमस कप जीतने के लिए भारत ने? इंडोनेशिया को। इसके साथ ही थॉमस कप जीतने वाला 6ठा देश बन गया है। इससे पहले इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया, डेनमार्क, जापान इस खिताब को जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। थॉमस कप किसका होता है? पुरुषों का। और जो ऊबर कप होता है वो किसका होता है? महिलाओं का। बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप जीतकर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बिहार के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है
और राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं जेडीयू नेता अनिल कुमार हेगड़े, कहाँ से? कर्नाटक से। एक फैक्ट आपको और बता देता हूँ कि जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है उसका जो क्रियान्वयन हो रहा है उसमें कुल 15 विभाग शामिल हैं बिहार सरकार के, जिनकी की सूची आपके सामने है। लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व, लघु जल, नगर विकास, कृषि विभाग, भवन निर्माण विभाग, पशु एवं मत्स्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, ऊर्जा एवं सूचना एवं संपर्क विभाग। आज शाम में इसी चैनल पर जातीय जनगणना और बिहार, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको कंपाइल करके एक वीडियो अपलोड की जाएगी। ये वीडियो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद।